हेलो फ्रेंड्स, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने देख के ही पहचान लिया होगा ये भुंडे की रेसिपी है। और ये हमने भुंडे ले लिए हैं, 3 भुंडे हैं और ये कच्चे भुंडे हैं। ये देखिए अच्छे से इसे हम इसके ये दाने निकाल लेते हैं सारे। ये हमने दाने निकाल लिए हैं और ये देखिए काफ़ी सारे दाने हो गए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इतनी टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इसे हम वॉश कर लेते हैं 2-3 बार। इसके ये ऊपर की बाल जैसे होते हैं वो इसमें हम अच्छे से निकाल देते हैं पानी से, और इसे 2-3 बार हम इसे धुल लेते हैं। और ये देखिए हमने धुल लिया। एक कुकर ले लिया है, कुकर में ये हमने भुंडे के ये दाने डाल देते हैं पौन के लिए। और गर्मी में इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है, जब भी आपका मन करे हल्का फुल्का खाने का तो आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। और ये हमने इसमें ये डाल दिए हैं और इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्का सा इसमें अभी हम 1/2 गिलास लगभग इसमें हमने पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालें। और इसमें टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। ये हमने 1/2 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच ही हल्दी डाली है। हल्दी से कलर आएगा, देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। और इसे हम कवर करके 2-3 सीटी इसमें हम लगा लेते हैं। और ये देखिए 2-3 सीटी लगे हैं और गैस इसकी निकल गई है। और इसे इसका ये पानी है वो हम इसे निकाल देते हैं। इसमें हमें पानी नहीं चाहिए, इसके खाली कॉर्न के दाने ही चाहिए। और इसे हम एक छलनी से छान लेते हैं इस तरह से। और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और पानी इसका ये देखिए सारा निकल गया है, पानी को अच्छे से हमें निकालना है। और ये हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल में ये कर दिए हैं मक्के के कॉर्न। और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं अच्छे से। ये ठंडे हो गए हैं और ये देखिए गल गए हैं अच्छे से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। और इसमें हम कुछ टेस्ट के अनुसार मसाले मिलाएंगे, कम या ज़्यादा आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। पहले हमने नमक डाला, इसमें कम ही डाला, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डाले हैं। और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और ये पुदीने का पाउडर है वो डाल दिया है। और इसमें हमने 4-5 चम्मच अरारोट डालेंगे। और ये ब्रेड क्रम है 1/2 कटोरी लगभग वो डाल दिए हैं। और एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और अभी इजी हर जगह भुंडे मिल रहे हैं अच्छे से मार्केट में। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए अभी हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, पानी हमें अभी नहीं डालना है, पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसका हमें ज़्यादा घोल वगैरह जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा ही 1-2 चम्मच डाला है इस तरह के, हमें ड्राई ही रखना है। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। और इसमें ये हम डाल देते हैं कॉर्न के लिए। और इसे हाई गैस पे, अभी हाई गैस है फिर लो गैस पे सेकेंगे अच्छे से। और ये देखिए सारे हमने अभी थोड़े से डाल दिए थे और इसे हम सेक लेते हैं अच्छे से। इसे चलाते रहेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है और क्रिस्पी भी होता है ये नाश्ता और मसालेदार भी होगा आप देखें। और ये अच्छे से क्रिस्पी हुआ है, कलर भी काफ़ी इसका चेंज हो गया। इसे हम निकाल लेते हैं एक जाली में। और ये देखिए आप आवाज़ सुन रहे हैं इसकी, इतनी क्रिस्पी पन आ रही है इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। और ये देखिए हमने इसे तल लिया है सारे को। और इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं, ये हमने जलजीरा पाउडर ले लिया, आपके पास चाट मसाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये हमने एक टमाटर ले लिया है और एक प्याज ले लिया है, इसे चॉप करके इसमें ये डाल देते हैं। ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। एक बार बना ली तो आप यही बार बार बनाएंगे, जब आपके बच्चों को भूख लगे हल्के फुल्के तो आप इसे बनाकर दे सकते हैं। और यह हमने 1/2 नींबू ले लिया है, नींबू को इसमें हम निचोड़ देते हैं। और इसे हम अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए हमारा
नाश्ता बहुत चटपटा मसालेदार बनके तैयार हो गया है और फ्लेवर वाला ये कई सारे मसाले इसमें पड़े हैं। और ये देखिए हमने ढक्कन लगाकर अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और ये देखिए आपके पास अगर खीरे ककड़ी वगैरह हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, पनीर के टुकड़े भी आप कट करके इसमें डाल सकते हैं। अभी हमारे पास ककड़ी नहीं थी, हमने नहीं डाली है, और आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। और ये देखिए हमारी ये कॉर्न की चाट ड्राई वाली बनके तैयार हो गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।